डाउन लाइन पर ट्रेन आ रही है, कृपया साइड हो जाए। अभी जैसे ठेकेदार से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई और अधिकारियों से, ऑन द रिकॉर्ड कैमरे पे कुछ कहने को तैयार नहीं है। देखिए करोड़ों की मशीन है और इसका एक दिन का किराया 1,00,000 रुपए का होता है। इस ब्रिज को निर्माण करते करते लगभग 1 साल का वक्त हो चुका है कि इस तरह की जो हैवी मशीनरीज हैं उनके जरिए भी ये काम काफ़ी रफ्तार से किया जा रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ भिलाई के सुपेला अंडरब्रिज में, जहाँ पर तेज़ रफ्तार से आप देख पाएंगे अंडरब्रिज के निर्माण का काम चल रहा है। और जो स्लीपर हैं, इन्हें स्लीपर कहा जाता है, जो रेलवे जो डिपार्टमेंट है वो इन पटरियों के नीचे में इन तरह के स्लीपर्स को लगाता है ताकि जो ये पटरियों की स्ट्रेंथ है उसको बचाया जा सके और मजबूती के साथ इसके ऊपर ट्रेन गुजारी जा सके। पिछली कुछ कहानी बता दूं कि इस अंडरब्रिज का जो निर्माण है वो पिछले साल सितंबर से अक्टूबर महीने के बीच शुरू हुआ था, बारिश के बाद शुरू हुआ था। और हम आपको आज थोड़ी सी समरी ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो हैवी मशीनरीज हैं उनके ज़रिए भी ये काम काफ़ी रफ्तार से किया जा रहा है। और जो मैन पावर इस तरह से देख पा रहे हैं, ये मैन पावर है और स्किल्ड लेबर हैं और इनके ज़रिए भी काफ़ी कुछ हाथों से इस तरह के जो स्लीपर्स हैं उसको यहाँ ट्रेनों में, ट्रेन की पटरियों में इनको रखा जा रहा है। अंदर जो पांच के स्थितियाँ हैं, जो रेल पटरियों की स्थितियाँ हैं या जो ब्लॉक्स वगैरह बनाए हुए हैं, वो ब्लॉक्स बन के तैयार हैं, आपको विजुअल में देखने को मिल जाएंगे। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हैवी इंजीनियरिंग होती है, हैवी इंजीनियरिंग के लिए हैवी मशीनरी लगती है, ये इस तरह की मशीनें आई हुई हैं। और ये मतलब ये मान के चलिए कि करोड़ों की मशीन है और इसका एक दिन का किराया 1,00,000 रुपये का होता है। तो इस तरह से ये इस तरह की मशीनों को उतारा गया यहाँ पर। ये पुलिंग की मशीन है, क्रेन इन्हें कहा जाता है। और जो हैवी गैजेट्स हैं, जिस तरह के जो ब्लॉक्स हैं अंदर में, ब्लॉक्स जो अभी रेल पाथ के नीचे लगाए हुए हैं, उन ब्लॉक्स को पुल अप करके, काफ़ी हैवी लोड रहता है, उनको पुल अप करके एक जगह से दूसरी जगह लाकर रखा जाता है। तो इस तरह की मशीनरीज के ज़रिए ये आप इस तरह का ये जो एक बड़ी गाड़ी देख पा रहे हैं, इस गाड़ी से ड्रिल किया जाता है। ड्रिल के लिए वो रेलवे के बहुत मतलब मजबूत जो स्टील है उसको ज़मीन में गाड़ा जा रहा है और यहाँ भी एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। और साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि ये स्लीपर्स की बहुत बड़ी खेप अभी आई हुई है, जिसको ये मैन पावर के ज़रिए इस तरह से ये जो मजदूर हैं, मजदूर के हाथ हैं, इस तरह से ये पुल अप कर रहे हैं और पुल डाउन कर रहे हैं। और यहाँ मैन पावर के ज़रिए काफ़ी कुछ काम हो रहा है। तो ताज़ी की बात यह है कि इस ब्रिज को निर्माण करते करते लगभग 1 साल का वक्त हो चुका है। और अभी जैसे ठेकेदार से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई और अधिकारियों से, ऑन द रिकॉर्ड कैमरे पे कुछ कहने को तैयार नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हो रही है उसके मुताबिक ये जो अंडरब्रिज है ये दिसंबर महीने तक चालू हो जाएगा। तो ये दर्शकों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि दिसंबर से आप इस अंडरपास, जो सुपेला अंडरपास है, उसका उपयोग कर सकेंगे। उस पार के नज़ारे भी आपको विजुअल में दिख रहे होंगे साफ तौर पर, जो दो साइड से जो रास्ते बन के आ रहे हैं, नीचे गहरा गड्ढा है और वहाँ का भी जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जा रहा है। और साफ तौर पर जैसे ही ये निर्माण कार्य पूरा होगा, यहाँ से जो आवाजाही होती थी, जो सुपेला चौक से लेकर इस रेलवे फाटक के उस पार जो टाउनशिप इलाके में जिन लोगों को जाना होता था, उन्हें काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता था, इस अंडरपास के बन जाने के बाद से काफ़ी कुछ तकलीफें उनका समाधान हो जाएगा। तो इस खबर में आगे कुछ अपडेट रहेगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। हमारी कोशिश ये रही कि मजदूरों के जो काम करने के तरीके हैं, थोड़ी बहुत जानकारियाँ जो हमें हमारे पास हैं, जो मशीनरीज की जानकारी थोड़ी बहुत है, जो निर्माण कार्य की व्यवस्था थोड़ी बहुत है, जिसकी जानकारी हम रखते हैं, आप तक पहुँचनी चाहिए। न्यू वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP News को और बेल आइकन को दबाएँ।